नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2019 में आपका स्वागत है। एनवायरनमेंट के रिवीजन का ये हमारा 11वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम अप्रैल महीने के एनवायरनमेंट से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। पीडीएफ देखो आप टेलीग्राम चैनल के अलावा अपनी जो वेबसाइट है onlyias.in, फिर से बोलता हूँ onlyias.in, इस वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड पर क्लिक करके सारी रिवीजन वीडियोज़ की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। लिंक इस वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप पॉलिटिकल साइंस कोर्स और मेंस बूस्टर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो video.onlyias.in पर जाके। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप सेंड कर सकते हो onlyiassales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। क्या कंटेस्ट है? देखो, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एक फॉरेस्ट गार्ड हैं जिनका नाम है एलेम्बा येमचंगूर। ये देखो, ये नाम है फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के फॉरेस्ट गार्ड का। इनको यूएस बेस्ड एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अर्थ डे नेटवर्क स्टार अवार्ड दिया गया है। फिर से बोलता हूँ, यूएस बेस्ड एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक एनजीओ है जो विभिन्न देशों में इन्वायरमेंटल एनजीओ के साथ मिलकर काम करता है। इस एनजीओ के द्वारा, यानी इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के फॉरेस्ट गार्ड एलेम्बा येमचंगूर को अर्थ डे नेटवर्क स्टार अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड देखो उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में। तो एलेम्बा येमचंगूर नाम के जो फॉरेस्ट गार्ड हैं, इन्होंने अपने पिछले 30 साल की सर्विस में बहुत ही अच्छा योगदान किया है फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी और बाहर भी इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वैसे एक चीज़ आपको यहाँ भी बताता हूँ, ये यूएस बेस्ड इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसने ये अवार्ड दिया है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 22 अप्रैल 1970 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। एनजीओ है और 22 अप्रैल को क्या होता है? अर्थ डे होता है। तभी अवार्ड के नाम में भी अर्थ डे नेटवर्क स्टार अवार्ड है। अब बात कर लेते हैं फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये कहाँ पे है? ये है किफायर डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में। कहाँ पे है? किफायर डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में। इस सेंचुरी को देखो एक प्रकार से स्वर्ग माना जाता है काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स के लिए, जैसे लियोपर्ड्स, टाइगर्स, वाइल्ड बफेलोस, हुलू गिबन्स, मिथुन, हॉर्नबिल जो बहुत ही फेमस पक्षी है नॉर्थ ईस्ट में, और खास करके नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है दिसंबर के पहले हफ्ते में। हॉर्नबिल भी यहाँ पे देखा जा सकता है फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जर्जिगो सुनीलिमाय के बारे में है। क्या है ये? ये देखो ना, एक मकड़ी है और इसे रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है कहाँ पे? मुंबई के आरे मिल्क कॉलोनी में। कौन सी फैमिली से संबंध रखती है ये मकड़ी? देखो, जर्जिगो सुनीलिमाय जो मकड़ी है वो जंपिंग स्पाइडर फैमिली से संबंध रखती है। और अभी हाल ही में इस मकड़ी के बारे में पब्लिश हुआ एक पीयर रिव्यूड जर्नल है जिसका नाम है आर्थ्रोपोड सिलेक्टा। इस जर्नल में नई ये जो मकड़ी डिस्कवर की गई है मुंबई के आरे मिल्क कॉलोनी में, जिसका नाम है जर्जिगो सुनीलिमाय, इसके बारे में पब्लिश हुआ। अब हम थोड़ा सा जंपिंग स्पाइडर फैमिली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिस फैमिली से ये नई डिस्कवर की गई मकड़ी जर्जिगो सुनीलिमाय संबंध रखती है। देखो, जंपिंग स्पाइडर फैमिली जो है वो मोस्ट डाइवर्स स्पाइडर फैमिली है। इस स्पाइडर फैमिली में स्पीशीज की संख्या है 6126 और इंडिया में इस फैमिली की 256 स्पीशीज पाई जाती हैं अभी तक। देखो, इस फैमिली की जो मकड़ियां हैं ना, इनको आसानी से पहचाना जा सकता है इनकी एंटीरियर मीडियन आइज की वजह से। दिन के समय ये मकड़ियाँ शिकार करती हैं, इस वजह से इस फैमिली की मकड़ियों को डायर्नल हंटर्स भी कहा जाता है। इनका विजन बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होता है, मतलब आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होती है। तो अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे जर्जिगो सुनीलिमाय मकड़ी जिसको हाल ही में डिस्कवर किया गया, कहाँ पर डिस्कवर किया गया? मुंबई के आरे मिल्क कॉलोनी में। यूपीएससी कॉलोनी के बारे में नहीं पूछेगी, शहर का नाम पूछेगी, आंसर होगा मुंबई। दो फैक्ट्स और भी हैं जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं। देखो, नई जो मकड़ी डिस्कवर की गई है जर्जिगो सुनीलिमाय, ये जर्जिगो जीनस की सेकंड स्पीशीज है इंडिया में, और ये जर्जिगो जीनस की फर्स्ट स्पीशीज है जिसकी
टैक्सोनॉमिक डिटेल्स जैसे मेटिंग बिहेवियर, एक्ट डेवलपमेंट, इन सबको डॉक्यूमेंट किया गया है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई किया गया है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किया नई डिस्कवर की गई मकड़ी के बारे में, जिसका नाम है जर्जिगो सुनीलिमाए। चलते हैं आगे, आर्टिकल है अर्थ आवर के बारे में। देखो हर साल 30 मार्च को अर्थ आवर ऑब्जर्व किया जाता है। होता क्या है इस दौरान रात को 8:30 से लेके 9:30 के बीच लोग जो हैं अपनी लाइट्स को स्विच ऑफ कर देते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि लाइट्स को स्विच ऑफ करने से बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव हो जाएगी और इससे ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस किया जा सकेगा या फिर क्लाइमेट चेंज एकदम से रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अर्थ आवर को ऑब्जर्व करने का मतलब ये होता है जागरूकता फैलाना, लोगों को ये संदेश देना अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करते हो तो जल्द ही आपका जो प्लेनेट है वो खतरे में आ सकता है। तो इस उद्देश्य के साथ हर साल 30 मार्च को अर्थ आवर ऑब्जर्व किया जाता है। रात को 8:30 से लेकर 9:30 के बीच लाइट्स को स्विच ऑफ किया जाता है। इस बार की थीम थी कनेक्ट टू अर्थ। किसके द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है अर्थ आवर? देखो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। UPSC ने 2014 में क्वेश्चन पूछ लिया था कि किसके द्वारा अर्थ आवर को ऑब्जर्व किया जाता है, तो आंसर है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में 2007 में और आज के समय में 180 देश पार्टिसिपेट करते हैं अर्थ आवर में। बात करें हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में जिसके द्वारा ये अर्थ आवर ऑब्जर्व किया जाता है, ये देखो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। अगर UPSC पूछे क्या ये UN का ऑर्गन है, नहीं जी ये UN का ऑर्गन नहीं है, ये इंटरनेशनल NGO है। काम क्या है इस इंटरनेशनल NGO का? काम है वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना और इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे ये इंश्योर करना। इस NGO का देखो पहले नाम हुआ करता था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, आज के समय में भी USA में और कनाडा में पुराना नाम ही प्रचलित है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वैसे असल में नाम जो है इस NGO का अब चेंज हो चुका है। USA और कनाडा को अगर हम छोड़ दें तो बाकी देशों में नाम प्रचलित है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इस NGO का? हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ग्रुप का मिशन क्या है? काइंड ऑफ वही है, ये इंश्योर करना नेचुरल इन्वायरमेंट जो है प्लैनेट का वो डिग्रेड ना हो और ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ मिलकर रह सके, इस प्रकार के फ्यूचर का निर्माण करना। अब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए अर्थ आवर के बारे में। पहली स्टेटमेंट, क्या इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा? दूसरी स्टेटमेंट, इस दिन जनता को जागरूक किया जाता है कि वो एक निश्चित समय पर कम से कम एक पेड़ जरूर उगाएं, ये दूसरी स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट, अर्थ आवर 2019 की थीम है कनेक्ट टू अर्थ। बताइए तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है? देखो ये आसान क्वेश्चन था, पहली स्टेटमेंट सही है और तीसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट गलत है। पेड़ नहीं उगाया जाता, लाइट स्विच ऑफ की जाती है एक निश्चित समय पर। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल भारत स्टेज 6 के बारे में है। कंटेस्ट की बात देखो बाद में करेंगे, पहले बेसिक्स रिवाइज करते हैं। ये भारत स्टेजेस हैं क्या, किस उद्देश्य से इन भारत स्टेजेस को लाया गया था और अभी फिलहाल क्या स्टेटस है, बेसिक्स रिवाइज करते हैं। भारत स्टेज एक प्रकार के एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं जो वाहनों से निकलने वाले पोल्यूटेंट्स को रेगुलेट करते हैं। आपको पता है कि व्हीकल्स यानी वाहनों से काफी तरह के पोल्यूटेंट्स एमिट होते हैं, जैसे NO2 या फिर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, पर्टिकुलेट मैटर्स, ये सारे पोल्यूटेंट्स एमिट होते हैं वाहनों से, व्हीकल से। लेकिन अगर ऑटोमोबाइल कंपनीज अच्छे इंजन का इस्तेमाल करें, हाई क्वालिटी के इंजन का इस्तेमाल करें, तो ये जो पोल्यूटेंट्स एमिट होते हैं उनको कम किया जा सकता है। तो अब देखो भारत स्टेज समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं, 2000 में हम चलते हैं। 2000 के आसपास पोल्यूशन काफी बढ़ रहा था, तो सरकार ने जो ये ऑटोमोबाइल कंपनीज को कहा कि आप अच्छे क्वालिटी का इंजन इस्तेमाल कीजिए। एक एग्जांपल की सहायता से हम समझते हैं। मान लीजिए दो कारें हैं ए और बी। ए कार में जो इंजन इस्तेमाल हुआ है वो हाई क्वालिटी का है और बी कार में जो इंजन इस्तेमाल हुआ है वो बैड क्वालिटी का है। तो ए कार से पोल्यूटेंट एमिट होंगे 10 यूनिट और बी कार से पोल्यूटेंट एमिट होंगे 100 यूनिट यानी 100 यूनिट्स। अब देखो ऑटोमोबाइल जो कंपनीज हैं वो हाई क्वालिटी के इंजन इस्तेमाल नहीं करते व्हीकल्स में, कारों में। क्यों?
क्योंकि इससे जो कारों की जो कॉस्ट है, व्हीकल्स की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कस्टमर्स कारें खरीदेंगे नहीं। वैसे भी ऑटोमोबाइल कंपनीज में जो कंपटीशन रहता है वो काफी ज्यादा रहता है। तो 2000 की ये बात है, तो उसमें सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपनीज को कहा कि व्हीकल्स से यानी वाहनों से जो पोल्यूटेंट्स एमिट होते हैं उससे पोल्यूशन काफी बढ़ रहा है और जो वातावरण है वो दूषित हो रहा है, इसीलिए आप कारों में यानी व्हीकल्स में हाईएस्ट क्वालिटी के इंजन्स इस्तेमाल कीजिए, यानी वो इंजन्स आप इस्तेमाल कीजिए जिसमें से पोल्यूटेंट्स निकलते हैं सिर्फ 10 यूनिट्स। तो ऑटोमोबाइल कंपनीज ने सरकार को कहा सर जी हमें समय चाहिए, एकदम से हम हाईएस्ट क्वालिटी के इंजन इस्तेमाल नहीं कर सकते व्हीकल्स में, इससे तो कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन हम स्टेजेस में ऐसा जरूर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर में अगर 2000 में ऐसे व्हीकल्स सड़कों पर दौड़ते थे जिनसे पोल्यूटेंट एमिट होते थे 100 यूनिट्स, तो ऑटोमोबाइल कंपनीज ने कहा कि हम धीरे धीरे इंजन की जो क्वालिटी है उसे इंप्रूव करते जाएंगे, यानी अगली स्टेज में हम ऐसे व्हीकल्स तैयार करेंगे, ऐसे इंजन इस्तेमाल करेंगे जिनमें से पोल्यूटेंट निकलेंगे सिर्फ 70 यूनिट, अगली स्टेज में 50 यूनिट, अगली स्टेज में 30 यूनिट। तो सरकार ने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, स्टेजेस में आप इंजन की क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं ताकि कम से कम पोल्यूटेंट एमिट हो, तो ठीक है हम आपको मौका देते हैं। तो सरकार ने यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जो पहले ऑलरेडी वहां पे इंप्लीमेंटेड थे यूरोप में, उनको कॉपी किया और ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए स्टेजेस बना के छोड़ दी कि आपको इस स्टेज में इतने एमिटेंट, आप इस स्टेज में आप इतने जो पोल्यूटेंट है वो एमिट करवा सकते हो अपने इंजन से, अगली स्टेज में थोड़े कम, अगली स्टेज में थोड़े कम। तो सबसे पहले दो भारत स्टेज वन जो इंप्लीमेंट की गई थी सरकार के द्वारा वो की गई थी 2000 में, उसके बाद भारत स्टेज 2, 3, 4 ये सब इंप्लीमेंटेड हैं। अब देखो फिलहाल भारत स्टेज 4 अभी इंप्लीमेंटेड है, यानी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो भारत स्टेज 4 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने इंजन बना सकते हैं ताकि जो पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, एमिट जो होते हैं, वो भारत स्टेज 4 के हिसाब से ही हों। भारत स्टेज 4 के बाद सरकार ने भारत स्टेज 5 को स्किप कर दिया क्योंकि पोल्यूशन का जो लेवल था वो लगातार बढ़ रहा था। सरकार ने उसके बाद अल्टीमेटम दे दिया ऑटोमोबाइल कंपनीज को कि आपको 2020 तक ऐसे इंजन्स तैयार करने हैं जो कि भारत स्टेज 6 को फॉलो करते हों, भारत स्टेज 6 के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लाई करते हों। तो ये अल्टीमेटम था सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑटोमोबाइल कंपनीज को, 2020 तक ऑटोमोबाइल कंपनीज को ऐसे इंजन तैयार करने हैं जो कि भारत स्टेज 6 को फॉलो करते हों। अब देखो हुआ क्या है, अभी जो न्यूज है ये तो सारा हमने बेसिक्स जाना, न्यूज ये है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि पोल्यूशन के जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्मोक बढ़ रहा है, इसलिए हम प्रोवाइड कर देंगे ऐसा फ्यूल 2018 तक ही, 1 अप्रैल 2018 तक हम ऐसा फ्यूल तैयार कर देंगे ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए जो कि भारत स्टेज 6 के व्हीकल्स के लिए हो, समझ गए। तो अब देखो लेकिन जब तक इंजन ही तैयार नहीं होंगे तो फिर उस फ्यूल का फायदा ही क्या, लेकिन एक फायदा यह होगा कि दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 तक इस तरह का जो फ्यूल उपलब्ध होगा तो ऑटोमोबाइल जो कंपनीज हैं अपने इंजन को टेस्ट कर सकती हैं, यानी भारत स्टेज 6 के लिए जो वो इंजन्स डेवलप कर रही हैं उन इंजन्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है उनका, अगर 1 अप्रैल 2018 तक वो फ्यूल उपलब्ध हो जो कि यूज होगा भारत स्टेज 6 के व्हीकल्स में। तो देखो इस प्रकार से हमने रिवाइज किया कि ये भारत स्टेजेस हैं क्या, उद्देश्य क्या था इस प्रकार से भारत स्टेजेस को इम्प्लीमेंट करने का। हमने ये भी रिवाइज़ किया 1 अप्रैल 2018 से भारत स्टेज 6 के अकॉर्डिंग जो फ्यूल है वो उपलब्ध है दिल्ली में, लेकिन आज का कंटेस्ट ये है 1 अप्रैल 2019 से दिल्ली की जो आसपास की सिटीज़ हैं, दिल्ली की आसपास की सिटीज़ में भी भारत स्टेज 6 के हिसाब से फ्यूल उपलब्ध है जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है उन व्हीकल्स में जिनमें भारत स्टेज 6 के हिसाब से इंजन लगा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया भारत स्टेज 6 के बारे में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल फायंग विलेज के बारे में है, मणिपुर में है ये फायंग विलेज, क्यों सुर्खियों में है। देखो फायंग जो विलेज है हमारे देश का पहला ऐसा गाँव है जिसे अब कार्बन पॉजिटिव टैग मिल गया है। कार्बन पॉजिटिव टैग मिलने का क्या मतलब है, कार्बन पॉजिटिव टैग मिलने का मतलब ये है कि इस गांव में कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन ज़्यादा होता है और कार्बन एमिट कम होता है। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब आपको पता है, जब देखो एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन को हम कैप्चर करके लिक्विड या फिर सॉलिड फॉर्म में स्टोर कर देते हैं तो इसे कहा जाता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो इस गाँव में कार्बन एमिट कम होता है और सिक्वेस्ट्रेशन कार्बन की ज़्यादा होती है, यानी एटमॉस्फेयर से कार्बन कैप्चर ज़्यादा होता है। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ, नेट रिजल्ट ये हुआ कि फायंग विलेज अब फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट बन गया है, यानी कार्बन पॉजिटिव टैग मिल गया है इस गांव को।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकती है कि हमारे देश में कौन सा ऐसा गांव है जिसे कार्बन पॉजिटिव टैग मिला है। तो चार प्लेसेस के नाम हो सकते हैं ऑप्शंस में, या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि फायंग विलेज रिसेंट में सुर्खियों में था किस वजह से, क्या यहाँ पे फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ, कोई प्रोजेक्ट का नाम दिया जा सकता है यूपीएससी के द्वारा कि इंडो आर्क प्रोजेक्ट यहाँ पे इस्टाब्लिश हो रहा है, या फिर पहला गांव है जिसे कार्बन पॉजिटिव टैग मिला है। इस प्रकार के ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। अब देखो थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 1970s में और 80s में ये जो गांव था वो ड्राई हो गया था। तो एक फंड है नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, इस फंड के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इस फंड की सहायता से कोशिश की गई और फिर से रिजुविनेट किया गया, यानी जीवित किया गया इस गांव को। आज के समय में इस गांव में काफ़ी हरियाली है और तीन ओर से ये जो गांव है वो फॉरेस्टेड हिल से घिरा हुआ है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के बारे में, जिसकी सहायता से इस गांव को रिजुविनेट किया गया। देखो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसे चलाया गया था 2015-16 में। इस फंड की सहायता से क्या होता है, उन एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाता है जिनकी सहायता से क्लाइमेट चेंज के बुरे असर को कम से कम किया जा सके। जैसे देखो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी सहायता से क्लाइमेट चेंज के बुरे असर को कम किया जा सकता है, गैसेस के एमिशन को कम किया जा सकता है, तो उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जाएगा इस फंड की सहायता से, जैसा हमें देखने को मिला इस गाँव में। काफ़ी सारे एरियाज में प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया जाता है इस फंड की सहायता से, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वाटर, फॉरेस्ट्री, टूरिज्म, ये सारे जो एरियाज हैं इन एरियाज से संबंधित प्रोजेक्ट्स एलिजिबल हैं फंड प्राप्त करने के लिए नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज से। मकसद इस फंड को इस्टेब्लिश करने का यही है, क्लाइमेट चेंज के बुरे असर को कम किया जा सके। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है नाबार्ड। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल कूलिंग कोलिशन के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। वर्ल्ड का पहला ग्लोबल कोलिशन ऑन क्लीन एंड एफिशिएंट कूलिंग लॉन्च किया गया, कहाँ पर। देखो फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी ताकि 2030 एजेंडा के बीच और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के बीच सिनर्जी इस्टाब्लिश की जा सके। मतलब पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो ऑब्जेक्टिव है और SDG जो गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको 2030 से पहले पहले अचीव करना है, दोनों चीज़ों के बीच सिनर्जी इस्टाब्लिश करने के लिए ये फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी। और इसी कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड का पहला ग्लोबल कोलिशन ऑन क्लीन एंड एफिशिएंट कूलिंग लॉन्च किया गया। क्या है ये ग्लोबल कूल कोलिशन? देखो ये एक प्रकार से यूनिफाइड फ्रंट है। यूनिफाइड फ्रंट किस लिए? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कोई अमेंडमेंट, कोई एग्रीमेंट या फिर कोई गोल्स हैं उनके बीच सिनर्जी इस्टाब्लिश करना। जैसे देखो किगाली एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तीनों ये जो चीज़ें हैं वो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को कम करने की बात करते हैं। तो जॉइंट एक्शन लिया जाए, तीनों के बीच सिनर्जी इस्टाब्लिश की जाए ताकि अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को कम किया जा सके और कूलिंग को इंक्रीज किया जा सके। किगाली एग्रीमेंट के बारे में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये देखो एक प्रकार से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अमेंडमेंट है, लीगली बाइंडिंग है, फोर्स में आ चुका है किगाली एग्रीमेंट। कब से? 1 जनवरी 2019 से। 197 कंट्रीज़ ने कमिटमेंट की थी इस एग्रीमेंट में कि वो HFC के यूज़ को कम करेंगे 85% तक। मतलब बेस ईयर के हिसाब से 85% तक HFC के यूज़ को कम किया जाएगा 2045 तक। HFC देखो एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और इसी वजह से किगाली एग्रीमेंट किया गया। और किगाली एग्रीमेंट की सहायता से HFC के यूज़ को कम किया जाएगा। बड़ा मकसद यही है, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए, अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को बढ़ने से रोका जाए। और बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी इसी प्रकार का गोल है और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट का भी मकसद यही है, अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोका जाए। तो इन तीनों के बीच सिनर्जी इस्टाब्लिश करने के लिए ग्लोबल कूल कोलिशन को इस्टाब्लिश किया गया है। ये ग्लोबल कूलिंग कोलिशन देखो ना सिर्फ UN के द्वारा सपोर्टेड है बल्कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन और किगाली कूलिंग एफिशिएंसी प्रोग्राम एंड सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल,
इन सब के द्वारा भी स्पोर्टेड है ये ग्लोबल कूलिंग कोल्यूशन। इस कोल्यूशन में देखो चिली, रवांडा, डेनमार्क, इन सब देशों के गवर्नमेंट ऑफिशियल शामिल हैं। इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग, रिसर्च से जुड़े लोग और एकेडमिया भी शामिल हैं इस ग्लोबल कूलिंग कोल्यूशन में। ये देखो इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है ग्लोबल कूलिंग कोल्यूशन के बारे में। चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंट न्यूज नीलाकुरुंजी के बारे में है। ये देखो एक फूल है, 12 साल में एक बार खिलता है ये फूल। कहाँ पर? साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट के 16 फॉरेस्ट रीजन में 12 साल में एक बार ये फूल जो है वो खिलता है। अभी हाल ही में 12 साल बाद ये फूल खिला था, इसलिए हमने नीलाकुरुंजी के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन अभी फिलहाल कंटेक्स्ट अलग है, अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है। देखो 16 फॉरेस्ट में एक बड़े स्केल पर फायर देखने को मिली, फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डर लग रहा है कि इस फॉरेस्ट फायर की वजह से नीलाकुरुंजी फूल के जो सीड्स हैं वो सभी वाइप आउट हो गए। तो सीड्स वाइप आउट हो गए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये डर लग रहा है कि अगले सीजन में यानी 12 साल बाद क्या ये फूल फिर से खिलेगा या फिर नहीं खिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नीलाकुरुंजी फूल, क्योंकि अभी हाल ही में ये फूल खिला था 12 साल बाद, इसलिए भी सुर्खियों में आया था और अब फिर से सुर्खियों में है क्योंकि फॉरेस्ट फायर देखने को मिली जहां पे ये फूल खिलता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डर लग रहा है कि सारे सीड्स वाइप आउट हो गए इस फूल के और शायद 12 साल बाद क्या पता ये फूल फिर से ना खिले। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन की हम बात करें, देखो नीलगिरी हिल्स का जो नाम है वो इसी फूल से पड़ता है। इस फूल का जो कलर है वो पर्पल ब्लू है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो तस्वीर को। तो इस फूल का कलर पर्पल ब्लू है और इसी फूल के नाम से नीलगिरी हिल्स का नाम नीलगिरी यानी कि ब्लू माउंटेन्स पड़ता है। इसके अलावा देखो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, नेचुरली ये जो फूल है वेस्टर्न घाट में ही उगता है, बाकी आप आर्टिफिशियल कंडीशंस में, रेगुलेटेड कंडीशंस में कहीं और उगा दो वो बात अलग है। नेचुरली सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही ये फूल उगता है और IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तमिलनाडु में पालियान ट्राइब के जो लोग हैं वो इस फूल को रेफरेंस माना करते थे अपनी एज को कैलकुलेट करने के लिए। तो क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी प्रकार से पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, क्या कंटेस्ट है। देखो तमिलनाडु का एक टाउन है, नाम है कुन्नूर टाउन। इस कुन्नूर कस्बे में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को देखा गया है बर्ड वॉचर्स के द्वारा लंबे समय के बाद। देखो ये जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है ना, ये हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में मिलता है और वेस्टर्न घाट में भी मिलता है। वेस्टर्न घाट की हम पर्टिकुलरली बात करें, वेस्टर्न घाट में नीलगिरी में लोअर स्लोप्स में ये पक्षी पाया जाता है। लोअर स्लोप्स का मतलब सी लेवल से 1200 मीटर तक की ऊंचाई तक ये पक्षी देखा जा सकता है नीलगिरी हिल्स में। 1200 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर ये पक्षी अक्सर नहीं देखा जाता है। तो आमतौर पर ये जो पक्षी हैं ह्यूमन हैबिटेशन को देखो अवॉइड करता है, जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स होती हैं वहाँ पर ये पक्षी नहीं जाता है। और कुन्नूर टाउन में ह्यूमन हैबिटेशन काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पर इस पक्षी को देखा गया है, इसीलिए ये काफ़ी हैरानी की बात है और इसीलिए इस पर आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो जानकारों का कहना है काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज या फिर कुन्नूर टाउन के आसपास अभी ये जो पक्षी है सेफ महसूस करता है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इस पक्षी को अब देखा गया है कुन्नूर टाउन के आसपास। हम बात करें देखो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की, ये स्टेट बर्ड है। स्टेट बर्ड कौन से स्टेट्स का है? एक तो देखो अरुणाचल प्रदेश और दूसरा केरल, ये ध्यान रखने वाली बात है। और IUCN की रेड लिस्ट में ये जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है ये आता है वल्नरेबल कैटेगरी में। पहले देखो ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आया करता था IUCN की रेड लिस्ट में, लेकिन संख्या जो है लगातार कम हो रही है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की। तो 2018 में इस पक्षी को वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया गया था। और आपको पता है नागालैंड में हर एक साल ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज होता है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के बारे में है। कंटेस्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले इस काउंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो हर साल 4 दिनों के लिए पक्षियों की गिनती की जाती है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में। इस साल 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी और 18 फरवरी, इन 4 दिनों में गिनती की गई पक्षियों की। क्वेश्चन ये उठता है गिनती करता कौन है? गिनती देखो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो।
एक वेबसाइट है birdcount.org। चार दिनों के लिए जब ये बर्ड काउंट हुआ 15 से 18 फरवरी तक, चार दिनों में किसी भी दिन 15 मिनट से ज्यादा आप लगातार देखो कि कितने पक्षी आपको दिखे हैं, कम से कम 15 मिनट। ज्यादा आपकी इच्छा है आप एक घंटे तक लगातार देख सकते हो, चार घंटे तक लगातार देख सकते हो, और चार घंटे में, दो घंटे में जितने भी पक्षी आपको दिखे उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हो इस वेबसाइट पे जाके कि देखो मैं इस जिले से हूं और मुझे लगातार एक घंटे देखने पर 14 पक्षी दिखे या फिर 16 पक्षी दिखे। इस प्रकार से कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इस बर्ड काउंट में, चाहे वो इनिशियल लेवल पे बर्ड वॉचर हो या फिर कोई एक्सपर्ट ही ना हो। मतलब कोई स्पेशल सर्वे नहीं कंडक्ट किया जाता, जो बर्ड वॉचर्स हैं वो अपनी तरफ से ही डेटा अपलोड कर देते हैं birdcount.org वेबसाइट पे जाके। चार दिन निर्धारित किए जाते हैं हर साल कि चार दिनों में से आप किसी दिन को चुनाव कीजिए और उस दिन कम से कम 15 मिनट या फिर ज़्यादा आपकी इच्छा है एक निश्चित समय के लिए आप देखिए निश्चित समय में आपको कितने पक्षी दिखते हैं। आप जानकारी अपलोड कर दीजिए कि मुझे इस जिले में लगातार मैंने दो घंटे तक देखा और मेरे को इतने पक्षी मिले। इस डेटा को देखो एनालाइज किया जाता है बाद में कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी एंड नेशनल ओडुबन सोसाइटी के द्वारा। डेटा एनालिसिस से ये पता लग जाता है कि बर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है कंट्री में, कौन से जिले में पक्षी ज़्यादा हैं, कौन से जिले में पक्षी कम हैं, या फिर वेदर और हैबिटेट की वजह से पक्षियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से चेंज हो रहा है। इंडिया की देखो हम बात करें तो इंडिया 2013 से ही ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करता आया है। इंडिया की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन है बर्ड काउंट इंडिया कलेक्टिव। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना बर्ड काउंट इंडिया कलेक्टिव, हमारे देश में कई सारे ग्रुप्स, कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो बर्ड्स को कंजर्व करने में इंटरेस्टेड हैं या फिर नेचर को कंजर्व करने में इंटरेस्टेड हैं, उनका अलायंस है। समझ गए, मैं फिर से बोलता हूँ, बर्ड काउंट इंडिया कलेक्टिव ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में बर्ड्स और नेचर को कंजर्व करने की दिशा में बहुत सारे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, उनका अलायंस है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब मैं आपको लास्ट में कंटेक्स्ट बताता हूँ। देखो 15 से लेकर 18 फरवरी के बीच में ये जो काउंट हुआ था ना ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, इस काउंट में एक बात ये सामने आई है, सबसे ज़्यादा जो पक्षी रिपोर्ट किए गए वो कहाँ पे किए गए, वो तमिलनाडु के सालेम डिस्ट्रिक्ट में किए गए। यहाँ पे देखो 8420 पक्षियों को रिपोर्ट किया गया तमिलनाडु के सेलम डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कंटेक्स्ट है। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल एस्ट्रो इकोलॉजी के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है, पहले थोड़ा सा बेसिक आप जान लीजिए। देखो बंदर की एक स्पीसीज है जिसका नाम है ओरांगुटान। यहां पर जो स्क्रीन पे आपको तस्वीर दिख रही है ये है ओरांगुटान की। नेचुरली देखो बंदर की ये स्पीसीज यानी ऐप की ये स्पीसीज ओरांगुटान मिलती है कहाँ पे, बोर्नियो के आइलैंड में। बोर्नियो कहाँ पर है ये देखो साउथ ईस्ट एशिया में है, तीन देशों के बीच डिवाइडेड है ये बोर्नियो आइलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। तो नेचुरली इस आइलैंड पर ओरांगुटान बंदर की स्पीसीज मिलती हैं। आयुषियन के स्टेटस के हिसाब से क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आती है ओरांगुटान स्पीसीज। पिछले कुछ सालों में इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हुई है डीफॉरेस्टेशन, हंटिंग और स्लो ब्रीडिंग रेट की वजह से। देखो आमतौर पे जो गिनती होती है ओरांगुटान की कैसे होती है, ये ना पेड़ पर अपना कुछ घोंसला टाइप का बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। तो नेस्ट की अगर काउंटिंग कर ली जाए यानी पेड़ पर इनके द्वारा जो कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है सोने के लिए, अगर उसकी गिनती कर ली जाए तो ओरांगुटान की संख्या के बारे में पता लगाया जा सकता है। और यही मेथड यूज़ किया जाता था पहले ओरांगुटान की गिनती करने के लिए। लेकिन देखो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता था, मतलब एक बहुत बड़े एरिया में घूमना और नेस्ट को गिनना यानी घोंसले को गिनना, तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती थी। अब वहाँ पर एक नया मेथड खोजा गया है ओरांगुटान की गिनती करने के लिए। इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे स्टार्स यानी तारों की चमक के बारे में स्टडी करने के लिए।
किस मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा? ड्रोन देखो घूमेंगे बोर्नियो आइलैंड के ऊपर, ड्रोन में लगे होंगे थर्मल इमेजिंग कैमराज, और इन्हीं कैमराज की सहायता से ओरांगुटांस की गिनती की जाएगी। देखो इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एनिमल को आइडेंटिफाई किया जाता है उस एनिमल के हीट सिग्नेचर की सहायता से। तो मतलब ना सिर्फ ओरांगुटांस, दूसरे जो इंडेंजर्ड प्रीमेट स्पीसीज हैं उनकी संख्या भी पता लगाई जा सकती है इस एस्ट्रो इकोलॉजी टेक्नोलॉजी की सहायता से। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल यांगजी जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल के बारे में है। देखो ये सिर्फ 4 टर्टल बचे थे पूरे वर्ल्ड में, 2 चाइना के एक चिड़ियाघर में थे और 2 फिलहाल वियतनाम में हैं। चाइना के एक चिड़ियाघर में 2 यांगजी जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल थे, उनमें से एक मेल था और एक फीमेल था। फीमेल की डेथ हो गई है, तो कहा यह जा रहा है कि जिस फीमेल यांगजी जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल की डेथ हुई है वो इस स्पीसीज की लास्ट फीमेल थी, क्योंकि वियतनाम में 2 टर्टल्स जो बचे हैं उनका जेंडर अभी पता नहीं है, जेंडर है क्या उनका। तो कुल मिला के अभी वर्ल्ड में सिर्फ 3 यांगजी जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल बचे हैं, और लास्ट फीमेल यांगजी जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल की डेथ हो चुकी है। तो आयुष्यन की रेड लिस्ट में आप बताइए कौन सी कैटेगरी में ये टर्टल आते होंगे। आयुष्यन की रेड लिस्ट में ये टर्टल आते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इससे ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होगी आप बताइए। टोटल अभी सिर्फ 3 ही टर्टल बचे हैं। वैसे तो देखो होना नहीं चाहिए, लेकिन 3 टर्टल्स जो बचे हैं उनकी भी डेथ हो जाती है तो टर्टल की ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी लुप्त हो जाएगी। रीजंस क्या हैं इन टर्टल्स की संख्या के कम होने के? पोचिंग एक तो शिकार किया जाता है, दूसरा हैबिटेट लॉस, ये मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से टर्टल्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम हुई है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। स्क्विरल का मतलब होता है देखो गिलहरी। देखो आमतौर पर नॉर्थ इंडिया में ना फम्बुलस पेनेंटी ये गिलहरी देखने को मिलती है। नॉर्थ इंडिया में आपने इस प्रकार की गिलहरी को काफ़ी बार देखा होगा, पार्क में या फिर दूसरी जगहों पर नॉर्थ इंडिया में यही गिलहरी देखने को मिलती है। लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ है, कंटेस्ट ये है, नॉर्थ इंडिया में सफ़ेद रंग की इस प्रकार की गिलहरी को देखा गया है। देखो गिलहरी का रंग वाइट ना 2 वजहों से हो सकता है, एक तो एल्बिनिज्म, दूसरा लूसिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है, ये एक जन्मजात कंडीशन है, गिलहरी में मेलानिन की कमी होती है, इस वजह से पूरा जो शरीर है गिलहरी का वो वाइट हो जाता है और जो आंखें हैं वो लाल हो जाती हैं। तो ये हमने पहली कंडीशन की बात की जिसकी वजह से गिलहरी का रंग सफ़ेद हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन है लूसिज्म। इसमें क्या होता है, पिगमेंटेशन का थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है गिलहरी में, इसकी वजह से गिलहरी की स्किन का कलर या फिर बालों का जो कलर है वो वाइट हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, आँखों का कलर वाइट नहीं होता, आँखों का कलर डार्क ही रहता है। अगर देखो डिफरेंस की बात करें, एल्बिनिज्म की वजह से अगर कोई गिलहरी प्रभावित होती है तो गिलहरी का पूरा शरीर प्रभावित होता है इंक्लूडिंग आइज। लेकिन दूसरी तरफ लूसिज्म कंडीशन से अगर गिलहरी प्रभावित होती है तो पूरा शरीर प्रभावित होता है लेकिन आंखों को छोड़ के, आंखें डार्क की डार्क ही रहती हैं। तो ये हमने डिफरेंस की बात की 2 प्रकार की वाइट स्क्विरल्स के बीच। अब आते हैं फिर से आर्टिकल की तरफ। जैसा देखो हमने शुरुआत में डिस्कस किया, आमतौर पर नॉर्थ इंडिया में यानी पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राजस्थान बिहार में फम्बुलस पेनेंटी इस प्रकार की गिलहरी देखने को मिलती है। लेकिन विचित्र बात अब यह है कि वाइट गिलहरी को भी देखा गया है नॉर्थ इंडिया में, जो एक असामान्य बात है। और किस प्रकार की वाइट गिलहरी को देखा गया है, 2 टाइप है ना, लूसिस्टिक स्क्विरल को देखा गया है। आमतौर पर देखो वाइल्ड मैमल्स के बीच कलर एबनॉर्मलिटी बहुत ज़्यादा रेयर होती है, मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि वाइल्ड एनिमल्स का जो कलर है वो एबनॉर्मल हो जाए। लेकिन ये एबनॉर्मलिटीज जो कलर में होती हैं वाइट मैमल्स में वो किस वजह से होती हैं, देखो ये कई सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जन्मजात कोई इन्फेक्शन हो, लो न्यूट्रिशन फूड या फिर जेनेटिक काजेज हों।
तो इन सब रीजन्स की वजह से वाइल्ड मैमल्स में कलर एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लूसिस्टिक स्क्विरल्स के भी बारे में। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट न्यूज नंदोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। कहाँ पे है ये नंदोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये देखो उत्तराखंड में है। और न्यूज में क्यों है? न्यूज में देखो इसलिए है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर्स की जो संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। मतलब टाइगर्स बढ़ गए हैं नंदोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, अच्छी बात है। तो इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अब मांग की जा रही है नंदोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया जाए। अगर देखो नंदोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल जाता है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से एडिशनल फंड्स मिलेंगे टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, दूसरा नेशनल लेवल के जो जूलॉजिकल साइंटिस्ट हैं वो भी मदद करेंगे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर्स को कंजर्व करने में। तो ये मेन दो फायदे होंगे अगर नंदोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है। यहाँ पर संख्या के बारे में बताया हुआ है, 2012 में यहाँ पर सिर्फ 9 टाइगर्स थे और 2018 में टाइगर्स की संख्या बढ़ के हो गई है 27 और इसी साल टाइगर्स की संख्या बढ़ के हो जाएगी 32। वैसे हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उसमें इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर्स की संख्या दी हुई थी 45। लेकिन संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये पूछा जा सकता है कहाँ पे है ये नंदोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में जो नंदोर नदी है, नंदोर नदी के पास ही है ये नंदोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 269.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। वैसे इसी प्रकार का आर्टिकल हमने 2017 में भी डिस्कस किया था, सुरई रेंज ऑफ फॉरेस्ट है उत्तराखंड में, मांग ये भी चल रही है सुरई रेंज ऑफ फॉरेस्ट को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि सुरई रेंज में भी टाइगर्स की संख्या में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो एक तो नंदोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा सुरई रेंज ऑफ फॉरेस्ट दोनों उत्तराखंड में हैं और मांग चल रही है दोनों को टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया जाए। चलते हैं आगे। आर्टिकल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के बारे में है। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, देखो डेजर्ट नेशनल पार्क, कहाँ पे है ये डेजर्ट नेशनल पार्क? ये राजस्थान में है, राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इन जिलों में स्प्रेड है ये डेजर्ट नेशनल पार्क। और इस नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की जो संख्या है वो 150 तक पहुंच गई है। देखो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, राजस्थान का स्टेट बर्ड है और IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में। राजस्थान के अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी, लेकिन ज़्यादा जो संख्या कॉन्सेंट्रेटेड है वो राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में ही है। ये डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का मेन हैबिटेट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से शेड्यूल 1 में आता है ये पक्षी, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्राप्त है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। और CMS जो कन्वेंशन है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, इस कन्वेंशन के तहत भी कंजर्वेशन प्राप्त है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को। और सबसे लास्ट में साइट्स जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए ये कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन के अपेंडिक्स 1 में आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। साइट्स को वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का एक प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इस प्रोजेक्ट के तहत जो रिकवरी प्रोग्राम है विभिन्न स्पीसीज के लिए उनमें से एक स्पीसीज है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। इस रिकवरी प्रोग्राम के तहत बहुत सारे एनिमल्स को कंजर्व किया जा रहा है और उनमें से एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान सरकार का एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इस प्रोजेक्ट में क्या होता है, जैसे कोई प्रोटेक्टेड एरिया है मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर कोई नेशनल पार्क है, इनमें जो ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के उनके चारों ओर फेंसिंग कर दी जाती है। जैसे ये डेजर्ट नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क के अंदर ये पर्टिकुलर छोटा सा एरिया है ब्रीडिंग ग्राउंड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, तो चारों ओर फेंसिंग कर दी जाएगी। उसी प्रकार से प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर भी कोई जगह है और वो ब्रीडिंग ग्राउंड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, तो वहां पे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, एक इंक्लोजर बना दिया जाएगा। तो ये है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और
दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज कहाँ कहाँ पे हैं? रोलापाड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है और करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है। डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में आपको पता ही है, राजस्थान में है। ये कुछ और प्रोटेक्टेड एरियाज हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब आप एक क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन देखो सिंपल है, आप आसानी से आंसर दे दोगे इस क्वेश्चन का। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, कौन से नेशनल पार्क का अट्रैक्शन है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कुलेरू नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, अगस्त हिमालय नेशनल पार्क। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है डेजर्ट नेशनल पार्क। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल काकापो के बारे में है। क्या है ये काकापो? ये देखो पैरट है, वर्ल्ड का फैटेस्ट पैरट है, मतलब वर्ल्ड का सबसे मोटा ये तोता है। IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से ये तोता आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में। अभी कंटेस्ट क्या है? कंटेस्ट ये है, न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट का ये कहना है इस बार ब्रीडिंग सीजन काफ़ी अच्छा रहा है काकापो का। और रीज़न क्या है? रीज़न देखो ये है, इस बार रिमू ट्री की पैदावार काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि काकापो का ब्रीडिंग सीजन अच्छा है, इसका रिमू ट्री की पैदावार से क्या लेना देना? लेना देना देखो है, दो चार साल में एक बार ब्रीडिंग की जाती है काकापो के द्वारा, और जब रिमू ट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है रिमू ट्री के ऊपर, तब ब्रीडिंग होती है काकापो की। और इस बार रिमू ट्री की पैदावार काफ़ी अच्छी हुई है, इस वजह से काकापो का जो ब्रीडिंग सीजन है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। थोड़ी सी हम और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें काकापो के बारे में। काकापो का मतलब है माओरी में नाइट पैरट्स। माओरी एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में काकापो का मतलब है नाइट पैरट्स, मतलब रात का तोता। इसे ओल पैरट भी कहा जाता है, मतलब उल्लू तोता। साइंटिफिक नेम तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फीचर्स की बात करें, ये तोता देखो उड़ता नहीं है, फ्लाइटलेस है, रात को जागता है, इसीलिए उल्लू तोता भी कहा जाता है इसको। और वर्ल्ड का फैटेस्ट तोता है और एकमात्र तोते की स्पीसीज है ये जो कि उड़ती नहीं है, फ्लाइटलेस है। नेचुरली देखो ये न्यूजीलैंड में मिलता है काकापो, और बाकी पकड़ के तो आप मर्जी कहाँ ले जाओ, चिड़ियाघर में रख लो, लेकिन नेचुरली न्यूजीलैंड में ही मिलता है ये काकापो। तो देख लीजिए, तोते के भी अपने अलग से शौक हैं, और जैसा हमने डिस्कस किया IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडियन बुल फ्रॉग्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? अंडमान में इंडियन बुल फ्रॉग्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और वहाँ पे इंडियन बुल फ्रॉग्स ने इन्वेसिव बिहेवियर को शो किया है। देखो दो रीज़न हैं, ए और बी। ए रीज़न में एक स्पीसीज रहती है जिसका नाम है एक्स। एक्स स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बी रीज़न में, और यहाँ पे एक्स जो स्पीसीज हैं लोकल वाइल्ड लाइफ को प्रभावित करना स्टार्ट कर देती हैं। तो एक्स स्पीसीज बी रीजन में क्या होगी? इन्वेसिव स्पीसीज, क्योंकि नेचुरली एक्स स्पीसीज यहाँ पे बी रीजन में नहीं मिलती थी, ए रीजन में मिलती थी, लेकिन इंट्रोड्यूस कर दिया गया बी रीजन में, और इंट्रोड्यूस करने की वजह से मतलब एक्स स्पीसीज अब बी रीजन के अंदर आकर रहने लगी, तो लोकल जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रभावित किया एक्स स्पीसीज के द्वारा। तो एक्स स्पीसीज जो होगी वो क्या होगी? इन्वेसिव स्पीसीज। यही काम किया है इंडियन बुल फ्रॉग ने। ये नेचुरली देखो अंडमान में तो रहती नहीं है ये स्पीसीज इंडियन बुल फ्रॉग की, लेकिन इंट्रोड्यूस कर दिया गया अंडमान में, वहाँ पे लोकल दूसरे जो स्पीसीज हैं उन पर तो असर होना स्टार्ट हो गया। जैसे इंडियन बुल फ्रॉग ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया लोकल फिशिज को, लोकल छिपकलियों को, इनको खाना स्टार्ट कर दिया, तो पूरा यहाँ पे जो इकोसिस्टम था वो प्रभावित हो गया। इसके बाद तो आर्टिकल में ये कहा जाता है, एक्सपेरिमेंट्स तो ये भी रिवील करते हैं कि डेवलपमेंटल स्टेजेस में भी जो बड़े बुल फ्रॉग टैडपोल्स हैं इनके द्वारा नेटिव फ्रॉग टैडपोल्स को खाया जाता है। मतलब ये जो बड़े इंडियन बुल फ्रॉग की स्पीसीज हैं वो लोकल रहने वाले जो छोटे छोटे टैडपोल हैं उनको भी खा जाते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते हैं। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन की बात करें इंडियन बुल फ्रॉग की। देखो फ्रॉग की ये बड़ी स्पीसीज हैं और ये कहाँ पर मिलती हैं? म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इन सब देशों में ये इंडियन बुल फ्रॉग की स्पीसीज पाई जाती हैं, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मदगास्कर में और इंडिया के अंडमान आइलैंड्स पर, जहाँ पर इस इंडियन बुल फ्रॉग ने इन्वेसिव बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर दिया, मतलब लोकल इकोसिस्टम को प्रभावित करना स्टार्ट कर दिया,
छिपकलियों को और लोकल फिशेज को बड़ी मात्रा में खाना स्टार्ट कर दिया। और जो ये इंडियन बुलफ्रॉग की स्पीसीज़ हैं, ये फ्रेश वाटर वेटलैंड्स और इक्वेटिक हैबिटेट्स को प्रेफर करती हैं, मतलब फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में और इक्वेटिक हैबिटेट्स में कंफर्टेबल होकर रहती हैं इंडियन बुलफ्रॉग की स्पीसीज़। और IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल डील फॉर नेचर के बारे में है। ग्लोबल डील फॉर नेचर के बारे में डिस्कस करने से पहले मास एक्सटिंक्शन के बारे में आपको पता होगा, पिछले साल के करंट अफेयर्स में था और UPSC क्वेश्चन भी पूछ चुकी है मास एक्सटिंक्शन के बारे में। मास एक्सटिंक्शन का मतलब देखो ये होता है बड़ी संख्या में बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाना। अभी तक देखो इतिहास में 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, यानी बड़ी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो चुका है 5 बार। और कहा यह जा रहा है कि 6ठी बार मास एक्सटिंक्शन होने वाला है और हम 6th मास एक्सटिंक्शन के अर्ली स्टेजेस में हैं, मतलब आने वाले कुछ सालों में बड़ी संख्या में बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने वाला है, और यानी 6th मास एक्सटिंक्शन होने वाला है, ऐसा एक्सपर्ट्स के द्वारा चेताया गया है। तो ये ग्लोबल डील फॉर नेचर, ये देखो एक कैंपेन है, ये कैंपेन देखो एक इनिशिएटिव है वन अर्थ का। अब आपके दिमाग में आया होगा ये वन अर्थ क्या है। वन अर्थ देखो एक इनिशिएटिव है लिनार्डो डी कैप्रियो फाउंडेशन का। वन अर्थ इनिशिएटिव का मकसद ये है प्लेनेट को कंजर्व करने की दिशा में जो एम्बिशियस गोल्स हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए सपोर्ट हासिल करना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का, विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स का और सिटीजन्स का। तो ये हमने बात कर ली ग्लोबल डील फॉर नेचर कैंपेन किसके अंतर्गत चलाया जा रहा है, वन अर्थ इनिशिएटिव के अंतर्गत चलाया जा रहा है। और वन अर्थ इनिशिएटिव किसका इनिशिएटिव है, लिनार्डो डी कैप्रियो फाउंडेशन का। अब हम ये बात करते हैं ग्लोबल डील फॉर नेचर, ग्लोबल डील फॉर नेचर का काम क्या है। ग्लोबल डील फॉर नेचर का काम देखो ये है, ये जो 6th मास एक्सटिंक्शन होने जा रहा है ना, इसे कम करना। 6th मास एक्सटिंक्शन अगर होता है तो क्या होगा, बहुत बड़ी संख्या में बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। तो उसी लॉस को कम करना चाहता है ये ग्लोबल डील फॉर नेचर कैंपेन, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान कम से कम हो 6th मास एक्सटिंक्शन में, यानी 6th मास एक्सटिंक्शन जो कहा जा रहा है अपने अर्ली स्टेजेस में है वो आए ही ना, ये मकसद है ग्लोबल डील फॉर नेचर कैंपेन का। और इसके लिए इस कैंपेन के द्वारा हाल फिलहाल में एक साइंस का जर्नल है, उस जर्नल में गाइडलाइंस जारी की गई हैं क्या कुछ किया जा सकता है। अगर इस कैंपेन की कुछ हाइलाइट्स के बारे में डिस्कस करें, इस कैंपेन में देखो ये बोला गया है UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाय 2030 के तहत 30% प्लैनेट को फुली प्रोटेक्ट किया जाएगा और 20% प्लैनेट को प्रोटेक्ट किया जाएगा अंडर ग्लोबल डील फॉर नेचर एज क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन एरियाज के तहत। इसके अलावा ग्लोबल डील फॉर नेचर के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन गाइडलाइंस के अनुसार वो देश जिन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को अप्रूव किया है उनको देखो ग्लोबल डील फॉर नेचर को भी अपना कैंपेनियन बनाना चाहिए ताकि बायोडाइवर्सिटी के लॉस को बचाया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ग्लोबल डील फॉर नेचर के द्वारा, सॉरी ग्लोबल डील फॉर नेचर के बारे में, जो कि एक कैंपेन है किसका, वन अर्थ का। वन अर्थ क्या है, ये इनिशिएटिव है लिनार्डो डी कैप्रियो फाउंडेशन का। और ग्लोबल डील फॉर नेचर का मकसद क्या है, मकसद ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर दूसरी रीजन्स की वजह से बायोडाइवर्सिटी के लॉस को कम करना और 6th मास एक्सटिंक्शन को या तो होने से रोकना या फिर होता है तो इसके प्रभाव को कम से कम करना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पीट लैंड्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली नैरोबी कीनिया में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है पीट लैंड्स के ऊपर। इससे देखो पीट लैंड्स के कंजर्वेशन के लिए जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं उन एफर्ट्स को बल मिलेगा, वो एफर्ट्स और ज़्यादा बूस्ट होंगे, यानी पीट लैंड्स का कंजर्वेशन और बेहतर ढंग से होगा। पीट लैंड्स एक प्रकार से देखो वेटलैंड्स ही होते हैं, पीट जो सोयल होती है उस सोयल के ऊपर वेटलैंड हैबिटेट ग्रो हो जाता है तो इसे आप कह सकते हो पीट लैंड। पीट सोयल कैसे डेवलप होती है, जैसे देखो ये कोई जगह है यहाँ पे पानी इकट्ठा है और लंबे समय तक पानी इकट्ठा रहता है, थोड़ी थोड़ी वेजिटेशन भी है लेकिन जो प्लांट्स हैं वो डिकम्पोज नहीं होंगे, काफ़ी समय तक डिकम्पोज नहीं होंगे यहाँ पे जो वेजिटेशन है
तो लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहेगा तो एक सोयल सी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी जिसमें ब्लैक कलर की होगी, जिसमें वेजिटेशन आधी डिकम्पोज्ड होगी आधी नहीं होगी, समझ गए? इस प्रकार से सोयल डेवलप होगी और उसके बाद जो वेटलैंड हैबिटेट होगा उसे आप कह सकते हो पीटलैंड। पीटलैंड हर देश में देखने को मिल जाता है और ग्लोबल लैंड सरफेस का 3% जो हिस्सा है वो पीटलैंड है। 2017 में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड डिस्कवर किया गया था कोंगो बेसिन में फॉरेस्ट के नीचे। पीटलैंड देखो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं, फ्लड रिस्क को कम कर देते हैं, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में हेल्प करते हैं और पीटलैंड जो है लार्जेस्ट नेचुरल टेरिस्ट्रियल कार्बन स्टोर है, मतलब कार्बन को काफ़ी मात्रा में स्टोर करके रखा जाता है पीटलैंड्स के द्वारा। लेकिन जो डैमेज्ड पीटलैंड होते हैं वो एक प्रकार से मेजर सोर्स भी हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के। एनुअली 6% CO2 एमिशंस जो होता है, इसीलिए तो कहा जाता है अगर पीटलैंड्स को रिस्टोर किया जाएगा तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन होता है पीटलैंड्स की वजह से उसमें कमी आएगी, क्योंकि जो डैमेज्ड पीटलैंड्स होते हैं उन्हीं की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। लेकिन अगर रिस्टोर कर दिया जाए पीटलैंड्स को तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होना बंद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल एकिडना के बारे में है, क्या कंटेस्ट है? CSIR और CCMB। CSIR का मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और CCMB का मतलब है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। ये कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के साइंटिस्ट ने रिसर्च में एक चीज़ का पता लगाया है। अंडे देने वाला देखो एक मैमल है जिसका नाम है एकिडना। स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हो, ये तस्वीर है एकिडना की। एकिडना अंडे देने वाला एक मैमल है। इस मैमल के दूध में एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन पाया जाता है। फिर से बोलता हूँ, ये जो अंडे देने वाला मैमल है एकिडना, इस मैमल के दूध में एक एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन पाया जाता है। एंटी माइक्रोबियल मतलब जो माइक्रोब्स हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, इनको ख़त्म कर दें, इनको डिस्ट्रॉय कर दें। तो देखो सिग्निफिकेंस क्या है इस रिसर्च की? सिग्निफिकेंस देखो ये है, पशुओं के ऊपर अभी जो एंटीबायोटिक्स दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है उन दवाइयों का इस्तेमाल करने के बजाय इस अंडे देने वाले मैमल के दूध का इस्तेमाल किया जा सकेगा लाइव स्टॉक के ऊपर, क्योंकि दूध में एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन मिलता है। ये प्रोटीन बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को पंचर कर सकता है, मतलब इनफेक्टिव बना सकता है। तो सोच के देखें, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन अगर ख़त्म हो गई तो मतलब बैक्टीरिया इनफेक्टिव हो गया। बैक्टीरिया की वजह से ही तो इन्फेक्शन हो रहा था, लेकिन बैक्टीरिया ही ख़त्म हो गया तो मतलब सोर्स का जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो गया। तो पशुओं के लिए ये काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है। अभी फ़िलहाल एंटीबायोटिक्स दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस रिसर्च को और ज़्यादा आगे ले जाया जाता है तो एंटीबायोटिक्स दवाइयों का इस्तेमाल करने के बजाय ये जो एकिडना अंडे देने वाला मैमल है इस मैमल के दूध का इस्तेमाल किया जा सकेगा पशुओं में इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। एकिडनास के बारे में थोड़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम जानें। एकिडनास को देखो स्पाइनी एंटीटर्स के नाम से भी जाना जाता है। और एकिडना नाम कहाँ से आता है? देखो ग्रीक मिथोलॉजी में एक क्रिएचर है जो आधी महिला है और आधी स्नेक है, मतलब हाफ वुमेन हाफ स्नेक। तो उस क्रिएचर से नाम पड़ता है इस मैमल का एकिडना, क्योंकि एकिडना जो है इस मैमल के बारे में विश्वास ये किया जाता है कि इस क्रिएचर के पास भी दोनों की क्वालिटीज हैं, मैमल्स की भी और रेप्टाइल्स की भी, मतलब वो जानवर जो रेंगते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्नेक। तो ग्रीक मिथोलॉजी से नाम आता है एकिडना। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये मैमल? ये देखो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी, यहाँ पे मिलता है सिर्फ। हैबिटेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को टॉलरेट नहीं किया जा सकता एकिडनास के द्वारा, और ये मिलते हैं फॉरेस्ट में, वुडलैंड्स में, और काफ़ी बार कचरे के ढेर के नीचे ये अपनी जगह बना लेते हैं और वहाँ पे रहने लगते हैं। देखो एकिडनास और प्लैटिपस, ध्यान से सुनिएगा लास्ट लाइन, एकिडनास और दूसरे नंबर पे प्लैटिपस, ये दोनों जो स्पीसीज हैं ये अंडे देने वाले मैमल्स हैं। इनके अलावा और कोई मैमल अंडे नहीं देता है,
और इनको जाना जाता है मोनोट्रीम्स के नाम से, समझ गए। फिर से बोलता हूँ, एकिडनास और प्लेटिपस ये दोनों ऐसी स्पीसीज हैं मैमल्स की जो अंडे देती हैं और इनको मोनोट्रीम्स के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो आपको पता है उड़ीसा के कोस्ट पर और गहीरमाथा मेरीन सेंचुरी में हर साल लाखों की तादाद में ओलिव रिडली टर्टल्स आते हैं और मास नेस्टिंग करते हैं, मतलब एक सिंक्रोनाइज्ड वे में नेस्टिंग करते हैं। मार्च में वो आए थे, उन्होंने अंडे दिए थे और अब अंडों से बच्चे बाहर निकलने लगे हैं। संख्या भी दी हुई है, कितने टर्टल्स आए थे, कितने बच्चे वापस लौट सकते हैं, संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल है, मतलब एक ऐसा टर्टल जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है और सबसे छोटा है। गर्म पानी में ये टर्टल्स आमतौर पर मिलता है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन में प्रजेंस देखने को मिल जाती है ओलिव रिडली टर्टल्स की। तो यूपीएससी फंसाने वाला क्वेश्चन पूछे कि ये एंडेमिक है इंडियन ओशन में तो गलत हो जाएगा, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इन ओशंस में भी देखने को मिलता है ये ओलिव रिडली टर्टल्स। ये देखो जाने जाते हैं अरीबादा के लिए। अरीबादा क्या है? अरीबादा देखो यूनिक मास नेस्टिंग है, जैसे लाखों की तादाद में टर्टल्स आते हैं, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में नेस्टिंग करते हैं। मान लो जी यहाँ फीमेल ओलिव रिडली टर्टल है थोड़े डिस्टेंस पे, यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस पे, यहाँ पे, जैसे जो ये सेंचुरी की बात हमने की गहीरमाथा मेरीन सेंचुरी, इस सेंचुरी में बीच पर लाखों की तादाद में एक साथ नेस्टिंग करते टर्टल्स देखे जा सकते हैं मार्च के आसपास, तो इस चीज़ को कहा जाता है एरीबाड़ा। आयुष्यान की रेड लिस्ट में ये जो स्पीसीज है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आती है और साइट्स जो कि एक कन्वेंशन है इनडेंजर्ड स्पीसीज के इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए, इस कन्वेंशन के अपेंडिक्स वन में आती हैं ओलिव रिडली टर्टल्स की स्पीसीज और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इस एक्ट के शेड्यूल वन में प्रोटेक्टेड हैं ओलिव रिडली टर्टल्स। संख्या इनकी कम हो रही है, हालांकि इतनी तेजी से भी कम नहीं हो रही, लेकिन वल्नरेबल कैटेगरी में अब ये आ चुके हैं आयुष्यान की रेड लिस्ट में और इनको नुकसान पहुँचता है फिशिंग प्रैक्टिसेस की वजह से, और काफ़ी बार टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो लोकल इकोसिस्टम इफ़ेक्ट हो जाता है और जहाँ पे ये अंडे देते हैं उन लोकेशंस को भी एक्सप्लोइट किया जाता है पोर्ट के पर्पजेज़ के लिए या फिर दूसरे जैसा हमने डिस्कस किया टूरिज्म संबंधित पर्पजेज़ के लिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से ओलिव रिडली टर्टल्स का जो हैबिटेशन है वो श्रिंक हो रहा है, संख्या भी कम हो रही है। थोड़ा सा हम भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। ये नेशनल पार्क देखो काफ़ी ज़्यादा फेमस है मैंग्रोव्स के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, टर्टल्स के लिए, एस्चुरिन क्रोकोडाइल्स के लिए और क्रीक्स के लिए। तीन प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं भीतरकनिका के अंतर्गत, भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गहीरमाथा मेरीन सेंचुरी। आसपास कौन सी रिवर्स या फिर एस्चुरीज हैं? भीतरकनिका देखो एस्चुरीज ऑफ ब्राह्मणी, बैतरणी, धमरा और महानदी रिवर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है और कहा यह जाता है 70% जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं वो यहीं पर मिलते हैं और उनको कंजर्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था 1975 में। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ओलिव रिडली टर्टल्स नेचुरली कहाँ मिलते हैं इंडिया में? आंध्र प्रदेश कोस्ट, उड़ीसा कोस्ट, महाराष्ट्र कोस्ट, बताइए। ध्यान से सोचिए, हमने क्या डिस्कस किया? इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन में देखा जा सकता है ओलिव रिडली टर्टल्स को, तो इसका आंसर होगा डी, डी आंसर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।